जिनके विचारधारा से ओतप्रोत होकर आज हम यहां इकट्ठे हैं। इसी कड़ी में प्राइमरी लेवल से विश्वविद्यालय लेवल तक विश्वविद्यालय की शख्सियत बड़े भाई हंसराज सुमन जी भी मंच में विराजमान है। दिल्ली सरकार में कार्यरत हमारे संगठन के महासचिव भाई टी आर मीना जी, हमारे बीच उपस्थित तमाम प्रबुद्ध वर्ग जो आज अपना बहुमूल्य समय देकर परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 127वीं जयंती में शिरकत करने के लिए उपस्थित है, सभी को मैं अपने हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। साथियों, आज देश के सामने एक विषम परिस्थिति पैदा हो गई है। देश का कोना कोना बिखराव के रास्ते पे खड़ा है, चाहे वह सुदूर ग्रामीण इलाका हो चाहे शहरी क्षेत्र हो। आज बाबा साहब द्वारा लिखित संविधान की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है, ये बहुत ही गंभीर और चिंतन का विषय है। आज सर्वोच्च न्यायालय पर उंगलियां उठाई जा रही है, आखिर क्यों? आखिर कहीं न कहीं कुछ तो है। अगर कुछ नहीं है तो चार जजों ने मिलकर कॉन्फ्रेंस क्यों की? महाभियोग क्यों लाया जा रहा है? भारत बंद क्यों किया जा रहा है? ये हमारे और आपके नहीं, पूरे देश की अस्मिता के साथ खतरा है। और इसको बचाने के लिए पूरे भारत के तमाम दलित पीड़ित शोषित अगर इकट्ठा नहीं होंगे, इस बात को समझेंगे नहीं, तो जो परिस्थितियां देश के सामने पैदा की जा रही है वो आपस में गिरी गिर की स्थिति पैदा कर देगी। साथियों, उस हालात में बाबा साहेब ने इस देश को दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान दिया, जिनको भी क्लासरूम में बैठने का अधिकार नहीं था। आप तो क्लासरूम में खड़ा होकर बैठ के पढ़ाते हैं, लेकिन आप तुलना कर लो उन परिस्थितियों का, हमें नहीं लगता है कि उसमें और आज में अंतर है। अंतर सिर्फ इतना ही है उस समय बैठने के लिए कुर्सियां नहीं थी, आज बैठने के लिए कुर्सियां दे दी गई है। परिस्थिति बहुत ही भयावह है। जिस मंच के तत्वाधान में आज ये कार्यक्रम आयोजित की जा रही है, ये मंच सम्माननीय रामकिशन पुनिया जी द्वारा संगठित, जिसके सुप्रीमो है पुनिया जी, शिक्षक मंच के सुप्रीमो नहीं, शिक्षक यूनियन के एक विचारधारा है। मेरे समझ से रामकिशन पुनिया एक विचारधारा है, रामकिशन पुनिया एक आंदोलन है, जिन्होंने 35 वर्षों से कड़ी मेहनत कर आज हमको एकता के सूत्र में पेयों पर एक जगह बैठने का, एक सभा करने का, डिमोस्ट्रेशन करने का मार्ग प्रशस्त किया है। पूरा जीवन जिन्होंने समर्पित किया है, हम पूर्णतः इस मंच के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सर इसी तरह आप का त्याग इस समाज को मिलता रहे, हम कंधे से कंधे मिलाकर अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे और उस दूर तक ले जाएंगे जिस तरह बाबा साहब अमर है, शिक्षक समाज में आपका नाम भी इसी तरह अमर रहेगा। जब शिक्षक समाज का इतिहास लिखा जाएगा तो रामकिशन पुनिया का नाम कहीं ना कहीं होगा। साथियों, परिस्थितियां दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, चाहे वो शिक्षक समाज की बात हो, चाहे वो आंदोलनों की बात हो, देश बहुत ही गंभीर मसले से गुजर रहा है। इसमें सभी को चिंतन करने की आवश्यकता है। और कहा गया यह जाता है कि समाज बहुत पढ़ा लिखा तो बहुत हो गया समाज, लेकिन लिखा पढ़ा नहीं हुआ। इन
साथियों, जो बताया गया, जो पढ़ाया गया आपने पढ़ लिया और उसको लिख दिया, ये हमारी समाज की परंपरा रही है। लेकिन जरूरत है आज इसको उलट करने की। आप इस परंपरा को तोड़िए और आप जिस पढ़े हैं उसको आप लिखिए। आप जब लिखेंगे तो आपकी भावी पीढ़ियां पढ़ेगी, वरना हालात वही होगी जो आज से 5000 वर्ष पहले हुआ करती थी। किसन भेदी बाल कौन चलाता था और सभी पीढ़े किसको मिलता था, गुरु दक्षिणा कौन मांगता था, पता ही होगा। एक लड़की इतिहास सबको पता ही होगा, समूह की हत्या कैसे की गई सबको पता ही होगा। लड़ाई झलकारी बाई लड़के और लक्ष्मी बाई का नाम लिखा जाता है। इतिहास पढ़ने की जरूरत है दोस्तों, मैं व्याख्यान नहीं कर रहा, आप इतिहास को पढ़िए और पढ़ के लिखने की जरूरत है। इस इतिहास को दोहराने की जरूरत है कि हमारी जो भावी पीढ़ी थी वो किस तरह के संघर्ष किया, किस तरह से आगे बढ़ा, और हमारा संघर्ष, हमारा जो संघर्ष है, हमारा जो इतिहास है बहुत उमदा रहा है। लेकिन आपके इतिहास को तोड़ने का काम यहां की व्यवस्था ने किया है, और उस व्यवस्था का जवाब जब तक आप लिखित तौर में नहीं दोगे तब तक वो व्यवस्था पुनः आप पर हावी होने जा रहा है। काम कोई और करता है, उसका श्रेय कोई और ले जाता है। इसलिए जरूरत है दोस्तों, आज छोटे छोटे रूपों में बाबा साहेब के इतिहास को, ज्योतिबा फुले के इतिहास को, सावित्रीबाई फुले के इतिहास को लोगों के बीच प्रसारित करने के लिए, अपनी भावी पीढ़ियों को बताने के लिए कि आपके पूर्वज कितने विद्वान थे, कितने सशक्त थे, कितने संघर्षशील थे, कितने लड़ाकू थे, उन्होंने किसी के सामने कभी हाथ नहीं पसारा, उन्होंने किसी के सामने दक्षिणा नहीं मांगा। इतिहास रहा है दलितों का, पिछड़ों का, संख्यों का। अब बाबा साहब ने जो अधिकार आपको दिए हैं साथियों, मार्क्स लेनिन स्टालिन मोह से तुम और फ्रेंडली एरिस ने पूरी दुनिया के मजदूरों को एक होने के लिए कहा। अगर जो पढ़े हैं तो पढ़े और नहीं तो पढ़िएगा, उन्होंने दुनिया के मजदूरों को एक होने के लिए कहा। लेकिन बाबा साहब ने क्या कहा, बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। अगर तीन मूल मंत्र को आपने अपने समाज में स्थापित कर दिया तो आपका समाज कभी भी पीछे नहीं रह सकता। तीन तीन मंत्रों को मैं समाज के भावी लोगों से अपेक्षा करता हूं कि आप जहां तक पहुंच गए अपने पीछे वाले समाज के लोगों को देखिए। बाबा साहब उसमें भी कह के गए थे कि हमें समाज के अपने पढ़े लिखे लोगों से खतरा है, और आज भी हालात वही है, आज भी हालात वही है साथियों, कि हमारे देश के जितने भी हमारे समाज के नुमाइंदा लोग बैठे हुए हैं वो अपने अपने पार्टी का लेवल लगा के मुंह में टेप लगा के बैठे हुए हैं। अगर सिर्फ वो खड़ा हो जाएंगे, हमारे पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दोनों सदनों में 131 है, लेकिन बोलने की जरूरत दो चार लोगों ने की है। जो भी जो घटना चक्र घटी उसमें दो चार लोगों के अलावा किसी की हिम्मत नहीं हुई। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 131 सड़कों में उतर जाता, सदन में खड़ा हो जाता, तो सरकार की हिम्मत नहीं होगी कि आपके खिलाफ एक शब्द भी बोल दे। जरूरत है समाज को जागरूक करने का, चाहे वो शिक्षक संगठन के माध्यम से हो, चाहे वो कोई अन्य संगठन के माध्यम से हो, चाहे किसी भी प्रकार का सामाजिक संगठन हो, आप समाज में जागृति पैदा करिए और आप अपने से जो पीछे रह गए समाज के लोग उनको दूषित करने के लिए उनको मार प्रशस्त करिए। साथियों जब तक आप सहयोग उनमें नहीं करेंगे, जब तक उनको रास्ता नहीं दिखाएंगे, समाज का भला नहीं हो सकता। बाबा साहब ने हमें बहुत कुछ दे दिया, आपको बोलने के लिए जुबान नहीं थी, जीवा काट ली जाती थी, कान में शीशे पिघला के डाल दिए जाते थे। ये कोई कहानी नहीं है, ये बिल्कुल कड़वा सत्य है, और सत्य को सकारना पड़ेगा
और कितनी लंबे संघर्ष के बाद उन्होंने सारी चीजों का लिखित व्याख्यान दिया। आज देश रामायण और भारत महाभारत से नहीं चलता साथियों, आज देश बाबा साहेब के लिखित संविधान से चलता है। और इस संविधान की गरिमा बनाए रखने की जवाबदेही समाज के सभी प्रबुद्ध वर्गों का है। और साहेब पीछे से इशारा हो रहा है, समय अभाव है और लोगों को समय मिलना चाहिए। मैं ज्यादा न बोलते हुए मैं समाज के तमाम प्रबुद्ध वर्गों से ही गुजारिश करता हूं कि जो जहां भी है साथियों, अपने समाज को, अपने पड़ोस को, अपने राष्ट्र को, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी अपनी भूमिकाएं निश्चित तौर पे आप समाज के समय दें, कुछ धन समाज में भी खर्च करें, समाज के कमजोर वर्गों पर लगाएं, कमजोर जो बच्चे हैं उन पे लगाएं, जिस तरह आज की तीनों दिल्ली नगर निगम में मिशन बुनियाद चल रहा है। तो हम भी अपने समाज की बुनियाद को मजबूत करने के लिए अगर थोड़ा थोड़ा सार्थक प्रयास करेंगे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। और समाज जब तक सबल नहीं होगा, सशक्त नहीं होगा, तब तक आपको अधिकार नहीं मिलेगा दोस्तों। अधिकार मांगने से नहीं मिलता, अधिकार हमेशा छीनना पड़ता है। सजग रहिए, सतर्क रहिए, अपने अधिकारों के लिए हमेशा आप तैयार रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ क्रांतिकारी जय भीम जय।